ऐसी जिंदगी होती है सब बहुत अच्छे होते हैं भाई। कमाओ खाओ काम करी माम पाई छ, यानी काम करोगे तो अन्न मिलेगा। अन्न मिलेगा मतलब अन्न काम करने से फल मिलता है ना, काम करोगे तो फल मिलेगा। अरे कितना साल हो गया ये तो बताओ। 15 साल हो गया। 15 साल हो गया तो अभी इधर रहने से कोई फायदा है? बहुत फायदा है। क्या फायदा है? काम भी मिल रहा है। चलो सखी जहाँ जाइए जहाँ बसत ब्रिजराज, गोरस बेचन हरी मिले एक पंथ दुई काम। ये क्या होता है? एक होता है अपना पैसा भी मिल रहा है, ऊपर वाला का सलाह पूजा पाठ सब हो रहा है बैठे बैठे, इतना इधर दायां बायां नहीं होने पड़ता है, इसको ये बोलते हैं। और ये बताइए आपके दो दो लड़का कमा रहे हैं कतर, फिर भी आपको पैसे की जरूरत है? दुनिया में जब तक है ना तब तक मीडियम वर्गीय आदमी जो हम बड़े पैसे वाले नहीं है, मीडियम वर्गीय वाला आदमी है, हमें इतना जरूरत होते है। आज कुछ कर लिया कल कुछ कर लिया इसी ने पैसा चला जाता है, इसलिए थोड़ा पैसे का जरूरत होते है। कब तक जो पैसा कभी जब तक अपना जांगर है चलते हैं। हमें तो मैंने बोला ना कि दो चीज हमें मिल रहा है, एक ऊपर वाला का शुक्र गुजार भी हो रहा हूँ अल्लाह ताला का, दूसरा भाई पैसा भी मिल रहा है। अभी से जिंदगी क्या चाहिए, इतना ही जिंदगी अच्छा है। वो जो 15 साल का जो पैसा है जो आपके लड़का 6 साल कमा, वो वाला संदूक किधर, पैसा कहाँ रखते हो? वो संदूक वो उसका अपना लाइफ है, वो अपना कारोबार करेगा, हम अपना जब तक चल रहे उतना करते रहेंगे। क्योंकि भाई देखो घास पास का कपास बोलते हैं हमारे नेपाली में, आप लोग को बोलता है रोटी कपड़ा और मकान, और ऊपर से रस सहित मार्ग भी मिले है, चाहे आप जैसे भी जिस रास्ते में है वो अपने अपने, हमें तो चारों रास्ता मिला हुआ है तो हम चारों को जानते हैं रस सहित ला इलाहा इल्लल्लाह। अभी छुट्टी कार्ड के छुट्टी कार्ड 4 साल से ऊपर हो गया है भाई। 4 साल से हाँ क्यों नहीं जा रहे हो घर? वजह क्या करेंगे? कोई मजबूरी? कोई मजबूरी नहीं भाई, अच्छी बात है। जिंदगी थोड़ा अपना इंसान को सुकून से कट जाता है, वो काम करना चाहिए। अब मैं तो बोला ना कि दो दो काम मेरे को हो रहा है तो हम क्यों जाए भाई, नहीं जाओगे फिर? अरे आप चले जाओगे, कम से कम बूढ़े हो, कोई नया यंग लड़का आएगा उसका रोजी रोटी लिखा रहेगा, आप ही लोग नए जनरेशन का काम जो ऊपर ने नहीं दे रहे हो। जो ऊपर ने बैठे हैं ना, जिसने मुंह चीरा है उसने उसको भरना है, जिसका नसीब होगा वो आएगा, हमें जिस दिन जाना होगा उस दिन कुदरती चला जाएगा। अरे आप जाओगे तो दूसरे का नसीब बनेगा आपके दर पे। कोई कहने से थोड़ा होता है। ये हमारे बांग्लादेश भाई है, ये भी नया है, रोजी रोटी की तलाश में आए सऊदी में। सऊदी में? ये सऊदी है? सऊदी सही बता? सऊदी है। सऊदी है? सऊदी है। पहले देखा था सऊदी कभी? नहीं पूछता। नहीं पूछता? नहीं पूछता? नहीं पूछता क्या है? नहीं 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 पूछता नहीं। किचन नहीं है आपके पास प्लेट धोने के लिए? नहीं है भाई, इधर ये है, कर से कर्म करो विधि नाना, सुरता रखो जहाँ कृपा निधाना, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से कोई भी काम शुरू करो, फल देने वाला रसूलुल्लाह सल्लम के सदके अल्लाह ताला है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ओम जय जगदीश हरे। समझने की कोशिश किया जाए इंसानों को, पहले सबसे पहले जिंदगी में 3 चीज़ चाहिए। सबसे पहले उठ करके ऊपर वाला जिसने जमीन आसमान ये तारे सूरज जितने देखते हैं, जो इंसान नहीं बना पाते वो बनाए, उसका शुक्र गुजार करे, इतना दिमाग में लगाए ये बनाने वाले कोई है, वो है तो अल्लाह ताला है, उसका शुक्र गुजार करो। उसके बाद में उसी को लोग बोलते हैं शुभ मुहूर्त, उसी को लोग बोलते हैं फर्ज, वो फर्ज निभाए और जायज अपने ज़िंदगी के लिए तलाश करे, और जब टाइम मिले तो ये घड़ी आधो में पुनिया तुलसी संघर्ष साव से हरे करोट अपराध, 1 मिनट सलाह के लिए आदमी इंसान खड़ा हो जाए, वो जो थोड़ा बहुत इंसान का जो बोलते बोलते कुछ भी बोल रहता है आदमी, वो थोड़ा बहुत कमी होते हैं वो मेकअप हो जाते हैं। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लम को खुद अल्लाह ताला बोला है कि ये मेरे रसूल तू मेरे को कुरान दिया हूँ वो सुना और सलाह पढ़ो, अल्लाह सलाह पढ़ने से इंसान का जो कमजोरी होते हैं वो दूर हो जाते हैं, और इतना ही ज़िंदगी है, एक न एक दिन चले जाना है, इसलिए टाइम का बर्बाद कर मत किया करे इंसान, चाहे बोल करके चले या चाहे गैब गुप्त से चले, वो चलाते रहे, क्यों सांसे के सांस चलता है कलमा, मुँह से भी बोला जाता है स्वीकार किया जाता है। ये सऊदी और हमारे पास इतना होता ही सुविधा तो हम इधर क्यों ये साफ करते हैं, हमारे लिए हमारा ज़िंदगी यही यही बहुत अच्छा है। देखिए भाई लोग, चाचा की बात अगर अच्छी लगी हो आपको
फॉलो करिए चाचा को, उनके तो बताए हुए रास्ते पे चलिए। मैं तो इस बात को मैं बोलता हूँ कि जमीन पे इस बात को कोई काट ही नहीं सकता। आए तो टेबल टॉक करे और टेबल टॉक कर करे कोई भी हो, और फरिश्ता छोड़ करके, दूत छोड़ करके, कोई मैं राम हनुमान नहीं हुआ, जिब्रील नहीं हूँ, मूसा अलैहि सलाम नहीं हूँ, जो मैं तब की तो 24 घंटे के अंदर वो आदमी अपने आवाज़ को पकड़े कि मैं जैसे 24 घंटे के अंदर हर इंसान से। अरे पानी इतना बर्बाद कर रहे, देखो तो सच निकलते हैं भाई। लोग बोलते सबसे अच्छे उत्तम सबसे फर्स्ट रास्ता कौन होता है, मार्ग कौन होता है, ईश्वर का भक्ति करना। काम भी करो, ईश्वर का भक्ति करो, उसमें आपको ये राजनीति कौन अभी राजनीति सही कर रहा है, कोई भी सही नहीं कर रहा है। जमीन पे आओ ना, कोई भी दुनिया जमीन की बात करो, कौन सी मुल्क में सही डिसीजन हो रहा है, कोई भी मुल्क में नहीं। खाओवादी माओवादी अर्थवादी सब मिल गया है, दूसरे का सच्चाई तो देखता नहीं, मर्म जानता नहीं, बस वोट लेने वक्त में गोर पकड़ते हैं और जब वोट ले लेते हैं तो आदमी को लात से मार देते हैं। वही पैसा जितने आइटम बम बनाता है, एक वो बनाता है वो बनाता है, अपना फैसला क्यों खुद करे, क्यों किसी का दूसरे का सीमा कैच करेगा, क्यों झगड़ा होगा। सही बात है चाचा, अरे दुनिया वालों चाचा की बात पे गौर करो। हाँ जो कोई है आदमी इसको काटने वाले तो हमारे साथ आए। मैं सऊदी अरब सिरका शेख हमूद में काम कर रहा हूँ, इधर आकर के प्राइम मिनिस्टर हो जाते हैं, जो भी हो आके हमसे बात करे, एक दूसरे पर हमला क्यों कर रहा है। वही पैसा को जनता को खिलाओ, बिना मांगे वोट मिलेगा, बिना मांगे जय जयकार करेगा, फलाना अच्छा है, उसको कुर्सी छीनेगा ही नहीं कोई, बस इसमें लगे पड़े होते हैं कि भाई कब किसको मैं खींचूं, कब किसको क्या करूं। समझ में आया, इतना ही मेरा भाषण था। बस बस तेरा क्या भाषा है रे सामा। ये देखो इनके पुल्लिन नहीं ठीक हो रही सुबह से शाम तक।